सर्वेक्षण होता है उसमें हमारे पास रेडिएशन और इंटरसेक्शन मेथड से इसमें सर्वेक्षण करते हैं, तब हमें ये दिक्कत होती है कि प्लेन के जो अकॉर्डिंग स्केल के हम जो प्लान बनाते हैं उस प्लान में अकॉर्डिंग स्केल कैसे हम उसको रिप्रेजेंटेट करें। इसके लिए जो सबसे पहले आपको बता दूं कि आप इसे जो मान लो प्लेन टेबल सर्वेक्षण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप प्लेन टेबल सर्वेक्षण कर रहे हैं, उसमें आपको आर एफ दे रखा है, आर एफ 1:150, ये आपकी प्लेन टेबल सर्वेक्षण करने जा रहे हैं तब आपको एक आर एफ दिया होता है। अब क्या करना है, सबसे पहले जो आप जो भी डिस्टेंस करते हो, जैसे मान लो आपने यहाँ पर अपना प्लेन टेबल सर्वेक्षण स्थित किया है और इस केंद्र को करकर आप यहां से किसी पेड़ की दूरी ले रहे हो, इस प्लेन टेबल से क्या करते हैं दूरी लेते हैं, मान लो ये वास्तव में दूरी आप मीटर में ले रहे हो, तो मीटर में दूरी कितनी आ रही है 15 मीटर है, कितनी है 15 मीटर की दूरी है। आप इस 15 मीटर की दूरी को जो प्लान बनाओगे जो सीट है उसमें इस पी बिंदु से कितनी दूरी पे एक लाइन खींचेंगे, ये सबसे बड़ी समस्या होती है जब ये प्लेन टेबल सर्वेक्षण करते हैं। तो अब आपको इसको देखो मैं बताता हूं, इसमें बताऊंगा कि आपको किस प्रकार एक आरएफ के द्वारा किस प्रकार से हम कन्वर्ट करके एक प्लान में इसको सेंटीमीटर में रेखा में बदल सकते हैं। कैसे करते हैं कि जब भी आपको कोई मापने दिए तो आप क्या करो जो आरएफ है उसको इंटू 100 से करो, इससे करो 100 से इंटू, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें पता है 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होता है, क्या होता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इसलिए क्योंकि ये जो दूरी है हमारी वो क्या है मीटर में है, दूरी मीटर में है ना, इस दूरी को मीटर में करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा यहां पर डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को 100 से इंटू करना पड़ेगा, 100 से इंटू करते ही क्या होता है कि ये मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो भी आपका आरएफ है उसका आप भाग दे दो तो आपके प्लान में जो दूरी आएगी वो सेंटीमीटर में अपने आप आ जाएगी, जैसे डिस्टेंस कितनी है 15 इंटू 100 बटा आपका आरएफ क्या है 150, तो 150 का आप इसमें भाग दे दो, एक बार गया कितना बचा यहां पर 10, तो हमें क्या है इस पेड़ को यहां पर 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे और वहां पर क्या होगा हमारा सर्वेक्षण होगा। ये प्लेन टेबल सर्वेक्षण में इस प्रकार से आप जितने भी ऑब्जेक्ट लें उन सभी ऑब्जेक्ट का अकॉर्डिंग स्केल आप उनको प्लान के में यहां पर सेंटीमीटर में बदल सकते हैं और ये दूरी यहां पर डिनोट कर सकते हैं। विकिरण विधि में आपको जितने ऑब्जेक्ट लेते हो उन सबका इसमें आपको क्या करते हैं अकॉर्डिंग स्केल आपको चेंज करना पड़ता है। फिर आप इसका एक देसी तरीका बताओ, प्रत्येक प्लान में यहां पर क्या बनती है मापनी बनती है, वो मापनी कैसे बनाए, जैसे आपका यहां पर कितना है 150 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर 150 मीटर 150 सेंटीमीटर को व्यक्त कर रही है, अर्थात 1 सेंटीमीटर 1.5 मीटर हो गया, क्योंकि 150 सेंटीमीटर 1.5 मीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर कितना बता रहा है 1.5 मीटर, 2 सेंटीमीटर कितना बताएगा 3 मीटर, 4 सेंटीमीटर कितना बताएगा 6 मीटर, 8 सेंटीमीटर कितना बताएगा 12 मीटर, ये हो गया ना। तो आप क्या करो अगर इसका सिंपल स्केल बनाना है तो आप देसी तरीका लगाते हो बनाओ, इजी बनेगा अच्छे से बनेगा, तो आपको क्या करना है कि 8 सेंटीमीटर की लाइन कितनी है 8 सेंटीमीटर लाइन क्या बताएगी 12 मीटर, तो अब आप चाहो जितने भी टुकड़े कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि आप इसके 4 टुकड़े करो, आप चाहो तो उसके 1 मीटर बताने के लिए 12 टुकड़े कर सकते हो 8 सेंटीमीटर लाइन का, कितनी के 8 सेंटीमीटर की जो लाइन है आपकी ए बी, इसके चाहो तो 12 टुकड़े कर लो, चाहो तो आप ये करोगे 1 टुकड़ा 3 मीटर को बताएगा तो आप कितने टुकड़े कर सकते हैं 4 टुकड़े कर लो, या 1 टुकड़ा 4 मीटर को बताना चाहते हो आप तो 3 टुकड़े कर लो, हम यहाँ क्या करेंगे इसके 4 टुकड़े करेंगे और आराम से 8 सेंटीमीटर के 4 टुकड़े हो सकते हैं, 2-2 सेंटीमीटर के हो सकते हैं ना, ये 2-2 सेंटीमीटर करने क्या कर लिए 4 टुकड़े कर लिए, 4 टुकड़े कर लिए मतलब इसमें 4 का भाग दो, जितने टुकड़े करो उसमें उतने इसमें भाग दो, 4 टुकड़े करेंगे 4 का भाग दिए 3 आ गया, मतलब हमारा एक खाना 3 मीटर हो जाएगा, अगर 3 टुकड़े करते हैं 3 का भाग देते इसमें तो इसका मतलब था कि हमारा एक टुकड़ा 4 मीटर बताएगा, तो हम इसमें क्या करेंगे 4 का भाग देंगे, तो हमें पता लग गया कि एक टुकड़ा कितने मीटर बताएगा 3, तो एक तो छोड़ दो 3, 6, 9 मीटर ये हो गया इधर और इधर का भाग बच गया है, तो आप चाहो तो इस एक ब्लॉक में 3 मीटर है, 3 मीटर का मतलब 300 सेंटीमीटर, तो आप इसके क्या कर दो
तीन ब्लॉक कर दो, 100, 200 और 300 सेंटीमीटर। इसी को ऐसे आप स्केल के रूप में बना सकते हैं। इसको ब्लैक कर दो इधर, इसको छोड़ो, इसको ब्लैक कर दो इधर, स्पीड ब्लैक कर दो, ये कर दो, या लिख दो RF 1:150। इस प्रकार से हम अकॉर्डिंग स्केल के प्लान में डिस्टेंस भी ज्ञात कर सकते हैं और एक स्केल भी इसका बना सकते हैं।